नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा के विविध रूप। हिंदी भाषा के विविध रूपों में हमने राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के बारे में पहले पढ़ा है। आज हम इसके अलावा कुछ आपके पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा के रूप, जो जैसे बोलचाल की भाषा है, संचार भाषा है, रचनात्मक भाषा है इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। बोलचाल की भाषा को समझने के लिए बोली को समझना ज़रूरी है। बोली उन सभी लोगों की बोलचाल की भाषा का वह मिश्रित रूप हैं जिनकी भाषा में पारस्परिक भेद को अनुभव नहीं किया जाता है। विश्व में जब किसी जन समूह का महत्व किसी भी कारण से बढ़ जाता है तो उसकी बोलचाल की बोली भाषा कही जाने लगती है, अन्यथा वह बोली ही रहती है। भाषा की शुरुआत मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करता है। भाषा की शुरुआत एक घर से भी हो सकती है, दो लोगों से भी हो सकती है, और वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उसका क्षेत्र बढ़ता जाता है। बोली होती है, बोली के बाद विभाषा, उपभाषा और भाषा, फिर अगर उसमें अच्छा साहित्य और व्याकरण समृद्ध हो जाती है तो वो परिनिष्ठित या मानक भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। तो ये बोलचाल की भाषा ही बोली है, जिसमें जो आसपास रहने वाले लोग पारस्परिक संपर्क कर सकते हैं। भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र उसके बोलने वालों की संख्या और उसका महत्व कम होता है। एक भाषा की कई बोलियाँ होती हैं क्योंकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। जैसे हमने पढ़ा पहले, हिंदी भाषा की कई बोलियां हैं और अलग अलग क्षेत्रों में वह बोली जाती है। जब कई व्यक्ति बोलियों में पारस्परिक संपर्क होता है तब बोलचाल की भाषा का प्रसार होता है। आपस में मिलती जुलती बोली या उपभाषाओं में हुई आपसी व्यवहार से बोलचाल की भाषा को विस्तार मिलता है। इसे सामान्य भाषा के नाम से भी जाना जाता है। यह भाषा बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। तो बोलचाल की भाषा, हम एक स्थान पर रह रहे हैं और उसे सामान्य भाषा में वह भाषा प्रयुक्त करते हैं और एक दूसरा उस भाषा को समझता है, सुनता है, वह बोलचाल की भाषा कहलाती है। संसार की प्रत्येक बोलचाल की भाषा आगे चलकर मानक भाषा बन जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसकी सहजता और सरलता। मौखिक प्रयोग के कारण कहीं कहीं शुद्धता भले ही न हो, पर बोधगम्यता और संप्रेषणीयता में यह सबसे आगे है। जो भाषा जितनी संप्रेषणीय है वह उतनी समर्थ है। संप्रेषणीयता का अर्थ है जो हम बोल रहे हैं वह श्रोता समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, यानी अगर वो अच्छी तरीके से समझ रहा है तो हम कह सकते हैं कि यह एक अच्छा संप्रेषण हुआ। तो भाषा की भी एक ये विशेषता होती है कि वो अच्छी, उसका संप्रेषण हो, लोग उसको समझ सकें। बात है कि बोलचाल की भाषा आगे चलकर मानक भाषा कैसे बनती है। तो इससे तात्पर्य है कि जब एक क्षेत्र में बोली का विकास होता है, जो लोग पहले से बोलते आए हैं या उन्होंने कुछ नए शब्दों गढ़ करके जो बोली का विकास हुआ है, उसमें आगे भाषा धीरे धीरे उसका क्षेत्र बढ़ता है, उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है और उसके बाद उसके व्याकरण का निर्माण होता है और सभी लोग एक तरह से लिखते हैं, बोलते हैं, उसको मानकीकरण होता है और वो मानक भाषा बनती है, वो परिनिष्ठित भाषा बनती है। संप्रेषणीयता के बिना भाषा की उपयोगिता कहाँ रह जाएगी? सच पूछिए तो भाषा दूसरे के लिए अभिप्रेत है। वक्ता और श्रोता के बिना भाषा की कोई परिचित नहीं है। इसी संप्रेषण के चलते
मनुष्य अपने आसपास से लेकर सारे संसार से जुड़ता है। अपने को अच्छी तरह अभिव्यक्त करने हेतु वह अत्यंत प्रभावशाली ढंग से भाषा का प्रयोग करता है। तो प्रत्येक मनुष्य जो कुछ बोलता है और सामने वाला जो श्रोता है वह उसे सुनता है और समझता है, तो वह एक बोल चाल की भाषा के रूप में प्रयोग होता है। सतत परिवर्तनशील होने के कारण भाषा में भिन्नता पाई जाती है। भाषा पर क्षेत्रीय प्रभाव को भी झुठलाया नहीं जा सकता, लेकिन यह भी सत्य है कि भाषा की इन विविधताओं के बावजूद उसका एक मानक रूप होता है। फिर भी भाषा बहता नीर कभी स्थिर कैसे रह सकता है? भाषा को बहता नीर कहते हैं, जो एक रूप में नहीं रहता है, उसमें वो परिवर्तनशील है, जन जन तक फैलकर सबसे घुल मिल कर उसका एक मौखिक रूप सदा बरकरार रहता है, जो सरल, सहज, बोधगम्य और मधुर भी हैं। देखिए, हमने अभी भाषा का इतिहास पढ़ा है। जब जब भाषा व्याकरणिक दृष्टि से या उसका मानकीकरण हो गया, मानक भाषा बन गई है, तो उसके समानांतर एक सरल, बोधगम्य, सहज रूप भी चलता है, जिसको लोग समझते हैं, बोलते हैं। तो ये परिवर्तनशील भाषा कई प्रकार की, धीरे धीरे इसमें विविधताएँ भी पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं आपके पाठ्यक्रम में एक बोलचाल की भाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा, एक संपर्क भाषा की बारे में भी हमें पढ़ना है। क्या होती है संपर्क भाषा? सामान्य अर्थ ये हम कह सकते हैं कि जिस भाषा का हम किसी से संपर्क करने के लिए माध्यम बनाते हैं, वो भाषा संपर्क भाषा है। संपर्क का मतलब है कि हम समझने, बोलने के लिए, या जैसे बाहर का कोई व्यक्ति है, दक्षिण से कोई आया है और वो कन्नड़ जानता है, हम राजस्थान के हैं, अगर मारवाड़ी जानते हैं, और हम दोनों अगर हिंदी का प्रयोग करें, तो वो जो हिंदी भाषा होगी वो संपर्क भाषा होगी, और अगर हम उसके स्थान पर दोनों ही अंग्रेजी का प्रयोग करें, तो वह अंग्रेजी जो भाषा है वो संपर्क भाषा होगी। यानी हमारी मूल भाषाएँ अलग है, हम घर पर अलग बोलते हैं, और जैसे हम विदेश गए हैं, फ्रांसीसी है वो अंग्रेजी बोल रहा है, या चीन गए हैं और चाइना वाला अंग्रेजी बोले और हम भी अंग्रेजी बोले और हम समझ सके, तो वहाँ संपर्क भाषा अंग्रेजी होगी। अनेक भाषाओं के अस्तित्व के बावजूद जिस विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति व्यक्ति, राज्य राज्य तथा देश विदेश के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। मैंने उदाहरण पहले ही दे चुका हूँ, आप समझ सकते हो कि एक ही भाषा परिपूरक भाषा और संपर्क भाषा दोनों ही हो सकती है। आज भारत में संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी प्रतिष्ठित होती जा रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है। अब हिंदी प्रतिष्ठित कैसे हो गई है? मैंने एक उदाहरण दिया, जैसे बांग्ला जानने वाला और गुजराती जानने वाला जब आपस में मिलते हैं तो हिंदी का प्रयोग करते हैं, तब उनकी जो संपर्क भाषा है वो हिंदी हो जाती है। संपर्क भाषा के रूप में जब भी किसी भाषा को देश की राष्ट्रभाषा अथवा राजभाषा के पद पर आसीन किया जाता है, तब उस भाषा से कुछ अपेक्षाएं भी रखी जाती है। जरूरी नहीं कि हमारी राष्ट्रभाषा अलग हो, राजभाषा अलग हो, संपर्क भाषा अलग हो, बोलचाल की भाषा एक भी हो सकती है, हिंदी ही सब कुछ हो सकती है अगर हम उसका प्रयोग करें। भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के माध्य परस्पर विचार विनिमय का माध्यम बनने वाली भाषा को संपर्क भाषा कहा जाता है। अपने राष्ट्रीय स्वरूप में ही हिंदी पूरे भारत की संपर्क भाषा बनी हुई है, और अपने सीमित रूप में प्रशासनिक भाषा के रूप में हिंदी के व्यवहार में भिन्न भाषा भाषियों के बीच परस्पर संप्रेषण का माध्यम बनी हुई है। संपूर्ण भारतवर्ष में बोली और समझी जाने वाली राष्ट्रभाषा हिंदी है, वह सरकार की राजभाषा भी है तथा सारे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली संपर्क भाषा भी है। इस तरह हम हिंदी को राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा कह सकते हैं और कहते भी हैं, क्योंकि इन तीनों में अंतः संबंध है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र में स्वीकृत भाषा होती है, जबकि प्रशासनिक कार्यों के व्यवहारों में प्रयुक्त होने वाली राजभाषा
घोषित की जाती है। तो ये हमने पहले ही इनके बारे में पढ़ा है। तथा संपर्क भाषा का विकास प्राकृतिक और स्वैच्छिक आधार पर होता है जो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संपर्क भाषा की सर्वस्वीकृत होकर राष्ट्रभाषा बनती है। समृद्ध देशों में राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में एक ही भाषा का प्रयोग होता है। बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जिसमें एक ही भाषा का प्रयोग होता है, जैसे जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस इत्यादि। इस दृष्टि से भारत भी समृद्ध देश है जहाँ हिंदी ही अपने तीनों रूपों में प्रयुक्त होती है। विश्व के अनेक देशों में हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। लेकिन भारत विविधताओं भरा देश है, तो यहाँ पर छोटी मोटी बहुत सारी भाषाएं हैं जो लोग आज भी उनको जिंदा रखे हैं और आज भी उनका प्रयोग करते हैं। एक आपके पाठ्यक्रम में है संचार भाषा। संचार क्या है? कोई समाचार है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसके बीच का जो माध्यम है, किस माध्यम से वह विचार जाता है, किस किस माध्यम से वह समाचार जाता है, वह खबर जो है वो जनसंचार के माध्यम कहलाते हैं। और संचार भाषा इन जनसंचार माध्यमों में जो प्रयुक्त की जाती है उसे संचार भाषा कहते हैं। मीडिया द्वारा प्रसारित भाषा में लक्ष्यीभूत श्रोता, दर्शक, पाठक विभिन्न बौद्धिक स्तरों के होते हैं। जन माध्यमों का यह प्रयास होता है कि वे भाषिक संप्रेषण को सर्वसुलभ बनाएं। तो ये जो जन माध्यम है, टीवी है, रेडियो है, अखबार है, इंटरनेट है, तो ये जो माध्यम है इसमें जो भाषा प्रयुक्त की जाती है वो संचार भाषा होती है। और इन पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसके लिए एक एक शब्द को बड़ी सावधानी के साथ प्रयुक्त करना होता है। यह ध्यान रखना होता है कि उच्चरित भाषा में कितना अंतराल, कितना आयतन, कितना आरोहावरोह और कितना यति गति विधान रखा जाए। इसका तात्पर्य है कि जैसे रेडियो पे हम बोलें तो रेडियो केवल श्रव्य माध्यम है और टीवी जो है वो श्रव्य और दृश्य दोनों ही हैं, तो उससे जो समझ आएगा वो रेडियो पे आसानी से नहीं आएगा। तो रेडियो पे उस हिसाब से भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इन जन माध्यमों के अपनी अलग अलग भाषिक प्रवृत्तियाँ होती हैं। अखबार भरसक जन भाषा का प्रयोग करता है, रेडियो से विजुअल बनाने का प्रयास करता है और टेलीविज़न दृश्य भाषा का पूरी क्षमता के साथ निर्वाह करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा का भरपूर उपयोग करते हैं अखबार, बहुत विस्तृत रूप से समाचार उसमें छपते हैं, देश विदेश के, स्थानीय भी। और हम कोई भी भाषा अखबार के माध्यम से सीख सकते हैं, बार बार अखबार पढ़ करके हम उस भाषा को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। इधर कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आदि ने भाषा के नए नए रूप निकाले हैं। इन्हें समझने के लिए भाषा प्रौद्योगिकी का संज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। जैसे आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक पे संक्षिप्त में एक कह सकते हैं हिंदी और इंग्लिश का मिक्स रूप चल रहा है, इंग्लिश भी कह सकते हैं उसको, और संक्षिप्त रूप में भी लिखते हैं। तो इस प्रकार कुछ भाषा में परिवर्तन हो रहे हैं। भाषा को अच्छी तरीके से इन संचार माध्यमों के संप्रेषण करने के लिए अपेक्षित हैं अनुवाद कला का अभ्यास, डबिंग है, दुभाषिया प्रविधि है और वाचिक कलाओं की जानकारी, कमेंट्री, उद्घोषणा तथा संचालन की सफलता पूर्णतः भाषिक उच्चारण और लहजे पर निर्भर। आपका लहजा कैसा है और आपकी शब्दावली आपके पास कितनी है और आपका उच्चारण कैसा है, इन पर हम इन माध्यमों को मजबूत कर सकते हैं या अपना भाषाई कौशल अच्छा विकसित करके लोगों तक अपने विचार संप्रेषित कर सकते हैं। समाचार, फीचर, ध्वनि नाटक, संवाद, वार्ता, वृत्तचित्र, रिपोर्टा जो रिपोर्ट कहलाती है अंग्रेजी में, ये जो विधाएं हैं
मूलतः भाषिक प्रयोगों पर ही निर्भर होती है। संचार भाषा में सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है शब्द संवेदना पर, और उसी के सारे विज्ञापन के नारे इतने हृदय स्पर्शी शब्द होते हैं। इस कृति में प्रथम बार संचार भाषा रूप में हिंदी का अनुप्रयोग स्पष्ट किया गया। तो इस प्रकार ये जो संचार भाषा है ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए, और बार बार इसका प्रयोग करने से हम भी कोई भी भाषा सीख सकते हैं। एक आपके पाठ्यक्रम में है रचनात्मक भाषा। रचनात्मक भाषा वो होती है जिसमें रचनाएं होती हैं, साहित्यिक रचनाएं कहो या नया सृजन हो, वैज्ञानिक शब्दावली है या कोई भी जो किसी क्षेत्र की है, चिकित्सालय की है, काव्य शास्त्र की है, अपनी अपनी अलग शब्दावलियाँ होती हैं। और ऐसी कठिन शब्दावलियाँ भी, कुछ शब्दावली होती हैं, शब्द होते हैं जो हर किसी को समझ में नहीं आते हैं। रचनात्मक कह सकते हैं सृजनात्मक, जो सृजन का माध्यम है रचना के लिए या साहित्यिक रचनाओं के लिए कौन सी भाषा प्रयुक्त हो रही है, आजकल किस विधा में कौन सी भाषा प्रयोग हो रही है। जैसे हिंदी हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा है कि भारतेंदु युग में गद्य जो है वो ब्रज भाषा, गद्य जो खड़ी बोली हिंदी में लिखा जा रहा था और पद्य जो ब्रज भाषा में लिखा जा रहा था, वैसे ही आजकल के जो उपन्यास आ रहे हैं, चर्चित हो रहे हैं, उसमें भाषाई रूप थोड़ा परिवर्तन है। जैसे इंग्लिश का भी प्रयोग साथ में हो रहा है, कुछ हमने ये भी पढ़ा है कि आंचलिक शब्दावली होती है कि कहीं अंचल विशेष की शब्दावली को लेकर के कोई कहानी लिखी गई है, तो उस शब्दावली का भी भरपूर प्रयोग किया गया। तो सृजनात्मक भाषा या रचनात्मक भाषा में भाषा का नए नए शब्दों का ढूंढे जाते हैं, नया नया उनका प्रयोग किया जाता है। और जैसे हिंदी है तो बहुत सारी भाषाएं उसमें सम्मिलित हैं, बहुत सारी भाषाओं की आगत शब्दावली जो है, विदेश शब्द हैं उनका हम प्रयोग करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं। तो इस प्रकार ये जो भाषा के विविध रूप हैं ये आपके पाठ्यक्रम में है, और अच्छी तरीके से इसको आपको अध्ययन करना है। आज बस इतना ही, बाकी का अगले वीडियो में, और इसके संबंध में प्रश्नावली भी, प्रश्न पत्र हम डालते हैं, उसका भी आपको हल करके रेस्पॉन्स देखना है, और आपको पता चल जाएगा कि आपको उसमें कितने अंक प्राप्त हुए हैं, और हमें भी पता चल जाएगा कि आपको, आपने हल किया कि नहीं किया। तो ये ऑनलाइन माध्यम से जो काम कार्य जो पाठों का चल रहा है, वीडियो बना करके हम आपके इकाई बार पूरा पाठ्यक्रम करवाने का प्रयास करेंगे जब तक ये कोरोना काल है। बाद में जब कॉलेज शुरू होंगे तब हम प्रत्यक्ष रूप से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।